हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास टू के बच्चों के लिए मैथ में मेजरमेंट का चैप्टर, यानी कि मेजरिंग ऑफ लेंथ बच्चों को कैसे समझाया जाता है और किन वर्कशीट के साथ आप बच्चों को इसे बहुत ही आसान तरीके से समझा सकते हैं। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। सो मेजरमेंट के चैप्टर में सबसे पहले बच्चों को मेजरिंग ऑफ लेंथ समझाया जाता है। तो इसे अगर आप बच्चों को समझा रहे हैं तो बच्चों को कुछ की पॉइंट्स याद दिलाएं, बच्चों को समझाएं। जैसे देखिए, पहला पॉइंट है लेंथ इज डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। यानी कि हम लेंथ किसे कहते हैं, किसी भी एरिया को जब हम मेजर करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो उसके एक एंड से, मान लीजिए ये पेंसिल है, तो इसके एक एंड से दूसरे एंड तक को हम जब मेजर करते हैं ना, इसके लंबाई को हम लेंथ कहते हैं ना। तो इसको हम बच्चों को इजी वे में बता सकते हैं, इट डिस्क्राइब्स हाउ लॉन्ग द ऑब्जेक्टिव। यानी कि लेंथ जब हम मेजर करते हैं तो वो हमें क्या बताता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कितना लंबा है, ये हमें लेंथ के थ्रू पता चलता है। नेक्स्ट, मेजरिंग अ लेंथ कैन बी डन इन डिफरेंट वेज। यानी कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर कर सकते हैं, उसके लेंथ को बहुत अलग अलग तरीके से। तो ये बच्चों को सबसे पहले समझाया जाता है। और किसी भी लेंथ को मेजर करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, जिसे हम कहते हैं यूनिट्स ऑफ लेंथ, है ना। तो यूनिट ऑफ लेंथ कौन से होते हैं, दो होते हैं, एक होता है नॉन स्टैंडर्ड यूनिट और एक होता है स्टैंडर्ड यूनिट। तो सबसे पहले बच्चों को यूनिट ऑफ लेंथ में नॉन स्टैंडर्ड यूनिट के बारे में बताया जाता है, जिसमें कौन कौन से यूनिट्स में, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट में क्या क्या आता है, हैंड स्पैम आता है, फुट स्पैम आता है, पेस आता है। तो ये सारे क्या हो गए, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट। यानी कि ये जो मेजरमेंट होता है, जैसे हैंड स्पैम, हैंड स्पैम हम इस तरह से नोटबुक को मेजर करते हैं ना, कुछ इस तरह से हैंड्स को यूज करके, वो हमारा हैंड स्पैम कहलाता है। उसी तरह से फुट स्पैम, फुट स्पैम यानी आपके फुट को यूज करके जो आप किसी कोई भी एरिया को मेजर करते हैं ना, तो उसे हम फुट स्पैम कहते हैं। और पेस यानी कि हम दोनों लेग को यूज करके वन स्टेप टू स्टेप जब मेजर करते हैं किसी एरिया को, तो वो हो जाता है पेस। तो ये सारे नॉन स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं, जिसे हम मेजर करते हैं किसी भी चीज़ों की या किसी भी एरिया की लंबाई को, जिसका जो मेजरमेंट होता है ना, वो हर किसी की तरह अलग अलग हो सकता है। जिसके हाथ छोटे होंगे उसका मेजरमेंट अलग होगा, जिसके पैर बड़े होंगे उसके अलग होंगे। तो इसका ना एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं आता है। तो इसीलिए हम किसी भी चीज़ों की लंबाई नापने के लिए हम स्टैंडर्ड यूनिट का यूज़ करते हैं। तो स्टैंडर्ड यूनिट में क्या क्या आता है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर और इंचेस। तो ये हो गए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को हम स्मॉल शॉर्ट फॉर्म में CM लिखते हैं, यानी कि सेंटीमीटर। तो ये कब हम यूज करते हैं, कोई भी छोटे ऑब्जेक्ट या एरिया को हम मेजर जब करते हैं ना, तब हम सेंटीमीटर का यूज करते हैं उसकी लंबाई नापने के लिए। नेक्स्ट, मीटर, मीटर हम कब यूज करते हैं, लार्ज यूनिट, यानी सेंटीमीटर स्मॉलर है, उसके बाद आता है मीटर। मीटर को हम शॉर्ट में M लिखते हैं, और ये किसी बड़े ऑब्जेक्ट को या एरिया को मेजर करने के लिए हम मीटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट, किलोमीटर, किलोमीटर को हम शॉर्ट में लिखते हैं KM। तो ये हम कब यूज करते हैं, लार्जेस्ट ऑफ ऑल थ्री फॉर डिस्टेंस। यानी कि इन तीनों से जो सबसे ज्यादा कोई बड़ा एरिया अगर हमें है, या कोई बहुत ही बड़ा रोड है जिसे हमें नापना है, मेजर करना है उसका लेंथ, तो उसके लिए डिस्टेंस को मेजर करने के लिए जो सबसे बड़ा मेजरिंग यूनिट है इन लेंथ, वो होता है किलोमीटर। ठीक है, तो ये बच्चों को बताया जाता है। नेक्स्ट, बच्चों को यहाँ पे ये जो की पॉइंट्स होते हैं ना, ये बताया जाता है। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। यानी कि 1 किलोमीटर हमारा कब बनता है, जब 1000 मीटर जुड़ते हैं, 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है। उसी तरह से नेक्स्ट बोला जाता है 1 मीटर। अब 1 मीटर इक्वल टू हाउ मच, 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर मिला के 1 मीटर बनते हैं। नेक्स्ट, 1 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर कब बनता है, जब 10 मिलीमीटर बनता है ना। तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये बच्चों को समझाया जाता है, इसी के थ्रू बच्चों को आगे की वर्कशीट्स समझाई जाती हैं। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से आप बच्चों को वर्कशीट्स दे सकते हैं इससे रिलेटेड। हियर इज द फर्स्ट वर्कशीट, टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे बच्चों को कुछ MCQ क्वेश्चंस दिए गए मेजरिंग ऑफ लेंथ से रिलेटेड, जिसे आप बच्चों को देते हुए प्रैक्टिस करा सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस बिटवीन इट्स डैश लेंथ। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो लेंथ होता है ना, वो उसके डिस्टेंस के कितने एंड्स के बीच में होता है, 1, 2 या 3। तो आंसर क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट का दो एंड मिला, जो दो एंड होते हैं ना, मान लीजिए ये पेंसिल है, इसके दो एंड यानी कि यहां से लेके यहां तक का जो हम मेजर करते हैं ना, बिटवीन दीस लेंथ, टू एंड्स का वो हमारा लेंथ होता है। तो यहां पे 2 होगा, आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 2। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज डैश। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ क्या होगा, मीटर, किलोग्राम या ग्राम। तो आंसर क्या होगा, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ होता है मीटर, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू डैश मीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स, 100 सेंटीमीटर मिला के कितने मीटर बनते हैं। तो आंसर इजी है, ऑप्शन सी 1 मीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। उसी तरह से 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। नेक्स्ट है, विच इज द स्मॉलर यूनिट ऑफ लेंथ, दिए गए ऑप्शन में से कौन सा स्मॉलर यूनिट ऑफ लेंथ है, सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर। तो हमने पढ़ा था कि सबसे स्मॉलर यूनिट ऑफ लेंथ क्या होता है, सेंटीमीटर, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच इज द सेम एज 7 मीटर, दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सेम है 7 मीटर की। ऑप्शन ए 7 × 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 7 × 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे बच्चों को आपको कैसे बताना है, जैसे हमने पढ़ा था 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, है ना। तो अगर 7 मीटर निकालना है हमें, तो 7 मीटर इक्वल टू क्या होगा, 7 × 100 कर देना है ना। तो यहाँ पे देखिए लिखा है ना 7 × 100 सेंटीमीटर, यानी कि 700, है ना, 700 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, 1 किलोमीटर इक्वल किसके है, 100 मीटर, 1000 मीटर या 10 मीटर। तो आंसर क्या होगा, 1 किलोमीटर 1000 मीटर को बना के 1 किलोमीटर बनता है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच इज द लॉन्गेस्ट ऑब्जेक्ट, दिए गए ऑप्शन में से कौन सा लॉन्गेस्ट ऑब्जेक्ट है, पेन, रूलर या फिर इरेजर। तो आंसर वेरी इजी, लंबा जो है वो होता है रूलर, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह के जो इंटरेस्टिंग एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं ना लेंथ से रिलेटेड, या बच्चों को जरूर दे, इससे बच्चों का जो नॉलेज है लेंथ से रिलेटेड वो भी बढ़ता है और बच्चों की इस पे प्रैक्टिस भी अच्छे से हो पाती है। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, तो यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया गया है जिसमें बच्चों को मैचिंग करनी है। जैसे देखिए पहला है 3 मीटर, तो 3 मीटर्स इक्वल्स टू हाउ मच, तो यहाँ पे कॉलम 2 में हम देखेंगे, सो 3 मीटर्स इक्वल्स टू हाउ मच, 300 सेंटीमीटर। तो 300 सेंटीमीटर बना के मिलके एक 3 मीटर बनता है। नेक्स्ट, बी ऑप्शन में यहाँ पे एक रूलर है और यहाँ पे लीफ दिया गया है जिसे मेजर किया जा रहा है, तो हमें लीफ का जो करेक्ट साइज है ना, लेंथ है, वो बताना है। तो जैसे देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये एंड कहाँ पे हो रहा है, 3 पे, यानी कि 3 सेंटीमीटर, तो हम 3 सेंटीमीटर के साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नॉन स्टैंडर्ड यूनिट का यूज हो रहा है, यहाँ पे देखिए टेप है, तो यहाँ पे हैंड स्पैम का यूज किया जा रहा है, तो देखिए यहाँ पे इस हैंड के हिसाब से ये 1 स्पैम हुआ, यहाँ पे एक हैंड है ना, तो एक हैंड यहाँ पे टेप को हम मेजर कर रहे हैं, तो टेप को मेजर करने के लिए हैंड स्पैम का यूज किया जाए, जैसे 1 स्पैम, 2 स्पैम, 3 स्पैम, 4 स्पैम, 5, 6 स्पैम। तो यानी कि यहाँ अगर हम हैंड स्पैम को यूज करके इस टेप को मेजर करेंगे तो कितने हैंड स्पैम है, 6 हैंड स्पैम, है ना। तो हम 6 स्पैम के साथ मैच कर देंगे कि इस टेप का लेंथ 6 हैंड स्पैम है। नेक्स्ट, 100 सेंटीमीटर - 1 किलोमीटर, तो यहाँ पे क्या आएगा, 100 सेंटीमीटर क्या है, लेस होता है ना किलोमीटर से, 1 किलोमीटर से, तो हमें यहाँ पे लेस देन का साइन यूज करना है, तो इसके साथ मैच कर देंगे। तो इस तरह की भी वर्कशीट आप बच्चों को मैचिंग की दे सकते हैं जिससे कि बच्चों की प्रैक्टिस हो पाए। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ट्रू और फॉल्स, तो यहाँ पे बच्चों को कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं मेजरिंग ऑफ लेंथ से रिलेटेड जिसे बच्चों को पढ़ते हुए ट्रू और फॉल्स लिखना है। जैसे पहला है, द लेंथ ऑफ द रूलर इज मेजर्ड इन मीटर, जो लेंथ होता है रूलर का वो हम मेजर करते है मीटर में, स्टेटमेंट सही है या गलत। तो जब भी हम किसी रूलर की लेंथ की मेजर किया जाता है ना, तो वो हम सेंटीमीटर में आसानी से कर सकते हैं, तो यहां पे मीटर नहीं होना चाहिए, सेंटीमीटर, इसलिए ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट, अ क्लॉथ मर्चेंट यूजेस अ मीटर रॉड टू मेजर क्लॉथ, तो जो क्लॉथ मर्चेंट होता है वो मीटर रॉड का यूज करता है किसी भी कपड़े को मेजर करने के लिए, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए यहाँ पे बच्चे कई बार कंफ्यूज हो सकते हैं, क्लॉथ मर्चेंट जो होते हैं ना वो सिर्फ कपड़ों को सेल करते हैं, इसीलिए वो मीटर रॉड का यूज करते हैं, जबकि जो टेलर होते हैं वो आपके कपड़ों को बनाते हैं, तो वो आपका मेजर करते हैं, जैसे आपके हैंड का, चेस्ट का, तो इसीलिए वो वहां पे वो क्या यूज करते हैं, मेजरिंग टेप। तो यहाँ पे आपको बच्चों को ये चीज समझाना होगा। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स यूजेस अ रूलर टू मेजर द लेंथ ऑफ अ लाइन, जो बच्चे होते हैं वो रूलर का यूज करते हैं किसी भी लाइन के लेंथ को मेजर करने के लिए, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, तो हम यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ योर क्लासरूम विल बी मेजर्ड इन सेंटीमीटर, जो आपके बच्चों से आप बोल सकते हैं जो आपके क्लासरूम का लेंथ है वो आप सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं, तो ये गलत है, वो बड़ा होता है एरिया, तो हम उसे मीटर में मेजर करते हैं, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट, 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर बना के मिला के 1 मीटर बनता है, क्या ये स्टेटमेंट सही है, ये बिल्कुल सही है, तो हम यहाँ लिख देंगे ट्रू। तो इस तरह से आप बच्चों को ट्रू एंड फॉल्स भी दे सकते हैं और बच्चों को मेजरिंग ऑफ लेंथ से रिलेटेड प्रैक्टिस करा सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट वर्कशीट, मेजर एंड फिल इन द ब्लैंक्स, तो यहाँ पे बच्चों को कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करके दिए गए हैं जिसे बच्चों को मेजर करना है और उसके अकॉर्डिंगली बच्चों को आंसर करना है। तो मेजरिंग के लिए अब ये बहुत ही छोटे से ऑब्जेक्ट पिक्चर्स
हैं, तो इसे आप बच्चों को बोल सकते हैं आसानी से रूरल की हेल्प से, यानी कि स्केल की हेल्प से बच्चे इसे मेजर करके आंसर दे सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पेंट ब्रश है ना, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। पहला क्वेश्चन है द इरेजर इज डैश सेंटीमीटर लॉन्ग, सेंटीमीटर यानी कि रूलर का यूज कर सकते हैं। तो इरेजर कहाँ है, यहाँ पे इरेजर है, तो बच्चों को आप इस तरह से रूलर यूज करने के लिए कहें। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ये कितना लंबा है, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं ये 3 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट द मैजिक वॉन्ड इज डैश सेंटीमीटर लॉन्ग, अब ये जो मैजिक वॉन्ड है ये कितना लंबा है, इसे भी हम मेजर कर लेते हैं। तो हम इसके एक एंड से दूसरे एंड तक मेजर करेंगे, तो जैसे कि यहाँ पे 11 सेंटीमीटर लॉन्ग है ये, तो हम यहाँ लिख देंगे 11 सेंटीमीटर। नेक्स्ट द नोट इज डैश सेंटीमीटर लॉन्ग, नोट कहाँ है, यहाँ पे है ना 200 रुपीज का नोट, तो इसको भी हम मेजर करेंगे। जैसे हम इसे मेजर कर रहे हैं तो ये दिखा रहा है 4 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट द पेंट ब्रश इज डैश सेंटीमीटर लॉन्ग, अब पेंट ब्रश है तो पेंट ब्रश को भी हम मेजर कर लेते हैं, तो पेंट ब्रश कितना सेंटीमीटर लॉन्ग है, 8 सेंटीमीटर, तो हम यहां लिख देंगे 8 सेंटीमीटर। सेम वे नेक्स्ट है द पेंसिल इज डैश सेंटीमीटर लॉन्ग, तो यहाँ पे पेंसिल का पिक्चर है, इसे भी हम मेजर करेंगे, इसमें बच्चों को बबहुत मजा आता है इस तरह से मेजर करने के लिए आप देंगे, तो जैसे 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो हम यहाँ लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बोला गया है अरेंज द ऑब्जेक्ट्स इन ऑर्डर ऑफ दैट इज लॉन्गेस्ट, तो यहाँ पे बच्चों को ये सारे ऑब्जेक्ट्स को उनके लेंथ के हिसाब से अरेंज करना है, यानी कि जो सबसे लंबा है उसे हम पहले लिखेंगे उसका नाम, उसके बेसिस पे उस शॉर्टेस्ट पे जाएंगे। जैसे सबसे लंबा इस दिए गए ऑब्जेक्ट में अभी हमने जो मेजर किया सबसे लंबा था मैजिक वॉन्ड, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पहला सबसे जो लॉन्गेस्ट है वो है मैजिक वॉन्ड। नेक्स्ट 11 हो गया, उससे छोटा कौन सा है, उससे छोटा है पेंट ब्रश, तो हम यहां लिख देंगे पेंट ब्रश इस तरह से। नेक्स्ट पेंट ब्रश के बाद नेक्स्ट कौन सा उससे छोटा है, वो है पेंसिल, तो हम यहां लिख देंगे पेंसिल। नेक्स्ट उससे छोटा क्या है, नोट, तो हम यहां लिख देंगे नोट। एंड नेक्स्ट सबसे छोटा है इरेजर, तो हम यहाँ लिख देंगे इरेजर। सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन है द शॉर्टेस्ट ऑब्जेक्ट एज द लेंथ इज डैश, तो दिए गए पिक्चर में और जो हमने मेजर किया उसके बेसिस जो सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ था जिस ऑब्जेक्ट का वो क्या था, वो था इरेजर, जिसका मेजरमेंट था 3 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिख देंगे इरेजर, तो था 3 सेंटीमीटर है ना, तो इस तरह से हम लिख देंगे। तो इस तरह से आप बच्चों को इस तरह की वर्कशीट बना के जिसमें बच्चों को खुद से मेजर करके और फिर उसके अकॉर्डिंगली बच्चों को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं, इससे बच्चों को मेजरिंग भी करने आएगा रूलर को यूज करके और बच्चे इस तरह का कॉन्सेप्ट भी सीख पाएंगे। यही बच्चों को क्लासेस में इस तरह से सिखाया जाता है, आप प्रैक्टिस जरूर कराएं। नाउ ही इज द नेक्स्ट वर्कशीट वर्ड प्रॉब्लम्स, तो बच्चों को मेजरिंग ऑफ लेंथ में उससे वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड भी क्वेश्चन दिए जाते हैं और समझाए जाते हैं, तो आप इस तरह की वर्कशीट बना के बच्चों को जरूर प्रैक्टिस कराएं। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है ध्रुव हैज 75 सेंटीमीटर लॉन्ग रोप एंड हिज फ्रेंड तनिष्क हैज 23 सेंटीमीटर लॉन्ग रोप, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ देयर रोप, तो यहां पे बच्चों को टोटल लेंथ ऑफ देयर रोप यानी ध्रुव और तनिष्क के जो टोटल लेंथ है ना वो हमें पता करना है। तो यहां पे बहुत इजी है, सबसे पहले आप बच्चों को इसे सेंटेंस फॉर्म में बताएं, लिखना लेंथ ऑफ ध्रुव रोप कितना है 75 सेंटीमीटर है ना, इस तरह से लिखना है। नेक्स्ट सेम वे तनिष्क के पास कितना लंबा रोप है 23 सेंटीमीटर, तो हम यहां लिखेंगे लेंथ ऑफ तनिष्क रोप इक्वल टू 23 सेंटीमीटर है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे टोटल बोला गया, अब टोटल बोला गया तो बहुत इजी, हमें यहाँ पे एडिशन करना है यानी कि प्लस करना है, तो हम प्लस कर लेंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे सेंटीमीटर इधर लिख देंगे एंड 5 + 3 कितना होता है 8 एंड 7 + 2 कितना होता है 9, तो टोटल कितना हो गया 98 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम इसे लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ देयर रोप इक्वल्स 98 सेंटीमीटर, तो कुछ इस तरह से बच्चों को सॉल्व करने के लिए आपको कहना है। सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समर रोड 140 मीटर ऑन हिज साइकिल एंड सिमरन रोड 250 मीटर ऑन हर साइकिल, हु रोड द फारेस्ट एंड बाय हाउ मच, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि समर ने 140 मीटर की दूरी तय की साइकिल से अपने और सिमरन ने 250 की दूरी तय की अपने साइकिल से, तो यहाँ पूछा गया है कि किसने सबसे ज्यादा दूरी तय की और कितने से तय की, यानी कि उसका टोटल डिफरेंस बताना है हम, तो जब हमें डिफरेंस बताना हो ना तो हमें यहाँ पे क्या करना होता है सब्ट्रैक्शन करना होता है, तो जिसके लिए आप बच्चों को सेंटेंस पे हमें लिखने के लिए कह सकते हैं या फिर इसे हम इजी वे में हम समझाना चाहें तो आप बच्चे को बोल सकते हैं सिमरन ने कितना किया 250 मीटर है ना, 250 मीटर और समर ने किया 140 मीटर है ना, तो अब इन दोनों में से सबसे ज्यादा किसने किया वो तो हमें पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा किसने किया है सिमरन ने किया है, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन कितना किया है यानी कितना ज्यादा किया है ये बताने के लिए हमें इसमें माइनस करना होगा। सो 250 मीटर माइनस 140 मीटर, तो आप इसे इस तरह से भी लिख के बच्चों को बता सकते हैं 250 माइनस 140
मीटर इस तरह से, तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 5-4 होता है 1, 2-1 होता है 1, यानी कि 110 मीटर ज्यादा रोड किया है सिमरन ने समर से, है ना। तो यहाँ पे ये हमारा आंसर हो जाएगा, हाउ मच, 110 मीटर ज्यादा किया है सिमरन ने समर से। तो ये इस तरह से बच्चों को सेंटेंस फॉर्म में लिखने के लिए दे सकते हैं या फिर इस तरह से इजी में समझा सकते हैं। नाउ सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिषेक ड्रू अ लाइन सेगमेंट ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड हिज ब्रदर ड्रू अ लाइन सेगमेंट ऑफ 27 सेंटीमीटर एट द लेंथ ऑफ 2 लाइन सेगमेंट एंड फाइंड इट्स टोटल। अब अगेन यहाँ पे भी बहुत ईजी है, यहाँ पे हमें टोटल फाइंड करना है लेंथ ऑफ 1 लाइन सेगमेंट एंड अनदर लाइन सेगमेंट। तो अभिषेक ने कितनी लंबी लाइन सेगमेंट बनाई, 10 सेंटीमीटर, तो हम इसे इजी में इस तरह से लिख देते हैं 10 सेंटीमीटर, और उसके ब्रदर ने कितनी लंबी बनाई, 27 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिख देते हैं। अब इसका अगर हमें टोटल पता करना है कि दोनों का टोटल एट द लेंथ बोला है ना, यानी कि हमें ऐड करना है, तो हम इसका टोटल निकालेंगे तो कितना आएगा, सेंटीमीटर 10 प्लस 27 कितना होता है 37, तो आंसर क्या हो जाएगा, अभिषेक और उसके ब्रदर का जो टोटल लाइन सेगमेंट होगा वो है 37 सेंटीमीटर। सो दिस इज द आंसर। तो इसे आप बच्चों को सेंटेंस फॉर्म में लिखने के लिए कह सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों को कुछ वर्ड प्रॉब्लम मेजरिंग ऑफ लेंथ से रिलेटेड आप इस तरह से बच्चों की प्रैक्टिस जरूर कराएं। दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियोस फ्रेंड्स, आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये मेजरमेंट में मेजरिंग ऑफ लेंथ से रिलेटेड वर्कशीट काफी हेल्पफुल रहा होगा बच्चों के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और बच्चों के लिए हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो या वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।